मुझे मैसेज आया कि चांद नजर आ गया है। कहाँ? फ्रंट कैमरा तो नहीं खोल लिया तुमने गलती से? रोमांटिक हूँ ना मैं, फंसा सकता हूँ ना कोई भी लड़की। ओ चेक करो भाई, वो सामने नहीं नजर आ रहा तुम्हें अंधी? फ्रूट चाट का सामान भी पकड़ लेते हैं। हाँ। किलो सेब पकड़ लेते हैं, किलो किन्नू पकड़ लेते हैं। तो शॉपिंग शॉपिंग हो गई हमारी, वाह ठीक है, बस ठीक है ना, बहुत अच्छी चीजें। चक्कर आ रहे बहुत ज्यादा। रमजान मुबारक हो गया तुम सबको यार। रमजान करीम टू ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल द पाकिस्तानीज एंड लाहौरीज एंड ऑल द मस्त। अरे कल लव क्या, रमजान आ गया है ठीक है। तुम लोगों को पता है कि लास्ट ईयर जो है हम लोगों का आउट ऑफ कंट्री रमजान गुजरा था, क्योंकि हमारा जो है हनीमून गुजार रहा भाई है। इंशाल्लाह इस बार हम लोग घर वालों के साथ गुजारेंगे सारा, भाई हम लोग पाकिस्तान में ही होंगे ठीक है पूरा रमजान। आज हो सकता है कि चांद नजर आ जाए, वैसे तो कन्फर्म है कि आज रोजा होना ही होना है, लेकिन चांद नजर आता है कि नहीं ये भी कन्फर्म नहीं है भाई। कुछ पूछा कुछ। Anyways, welcome back हो गए तुम सबका another vlog के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने ढकी भाई vlog enjoy नहीं किया हो तो कर लो like और subscribe करके bell icon को दबा दो। वैसे अगर चांद नजर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, तुम लोगों ने सिर्फ youtube.com पे जाना है, वहाँ पे ढकी भाई सर्च करना है, कोई सा भी vlog खोल लो आपको वैसे ही चांद नजर आ जाएगा ठीक है, बड़ा लेवल का निकल। आज जो है हमें शॉपिंग भी करनी है सारी रमजान की ठीक है, क्योंकि आज चांद अगर नजर आता है नहीं नजर आता कंफर्म रोजा है इंशाल्लाह। सारी करनी है आज, हमने तो जागना पड़ेगा भाई रात सारी। और जितने भी मम्मी डैडी बर्गर केक मलाई बच्चे हैं जो सुबह से लेके शाम तक सैरी से लेके इफ्तारी तक सिर्फ सोते रहते हैं और कहते हैं हमारा रोजा हो गया, वो लोग भी जो है सुधर जाए ठीक है। रमजान आ गया, चवले शवले छोड़ दे, गंदे काम छोड़ दे, रोजा रखने के बाद पांच वक्त नमाज भी पढ़नी है भाई। ऐसा नहीं कि भाई टिट भरा फ्रूट चाट खाई तो सो गए, ऐसे नहीं होना भाई। हाँ तुम हंसी जा रही हो भाई, बच्चे बर्गर बच्चे जो है ना ये सुबह सुबह पराठा खाते हैं सहरी के वक्त और फिर सो जाते हैं, मगरिब से दो मिनट पहले उठते हैं, खाने के टेबल पे आके बैठ जाते हैं, पूरी की पूरी जो है इफ्तारी बन चुकी होती है, सिर्फ पानी का जग किचन से उठा के डाइनिंग टेबल पे रखे ऐसे आ करते जैसे पूरी की पूरी इफ्तारी उन्होंने बनाई है भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो तुम अपनी बात कर रहे हो, रुक ड्रामेबाजी छोड़ दो ठीक है, रमजान आ गया चवले छोड़ दो अपनी। इस रमजान अगर मैं तुम्हें सोते हुए देखूं और अगर तुम ना उठे नमाज के लिए और सिर्फ अपनी करतूते मेरे पे ना डालो भाई, तो भाई रमजान में अच्छे काम करने, गंदे जितने भी तुम्हारे गंदे गंदे दोस्त है ना उनको ये वीडियो शेयर करो, उनको कहो कि भाई आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करा क्योंकि डकी भाई ने हमें बोल दिया है। जितने भी गंदे दोस्त है उनको टैग करो, उनको कहो कि भाई आज के बाद हमने आपसे नहीं मिलना। जितनी भी लड़कियों से तुम लोग बातें करते हो वो छोड़ दो ठीक है, मैंने भी छोड़ दिए हैं जितनी भी लड़कियों से। कौन सी लड़कियां भाई, पूरी बात तो सुन लो, अब रमजान शुरू हो गया, अब मैं लड़कियों से बात नहीं करता, तुम भी चले जाओ यहाँ से ठीक है, मेरे मुंह ना लगो, रमजान शुरू हो गया 30 दिन के लिए मेरे मुंह ना लगना भाई, लड़कियों से बात नहीं करता मैं। क्या बात है सर, अभी शाम होने लगी है, देखते हैं चांद नजर आता है कि नहीं। A few moments later. तो अभी किचन में आया हूं ठीक है, पता लगा मामा की गई नहीं है भाई, और अभी खाने में भी कुछ नहीं है, रूह हमें सामान लेना पड़ेगा सहरी का भी इफ्तारी का भी भाई। हां अब हम लोगों को क्या बना रही हो यार, चाय बनाई थी पियोगे? ये दूध में पत्ती डाली है, पत्ती में दूध डाला है तुमने, तो चाय खत्म हो चुकी है। मेरी कुकिंग का तुमने मजाक उड़ाया ना, मैं चाय फेंकूंगी मुंह के ऊपर, ये चाय है मेरी असल। सर मुझे मैसेज आया कि चांद नजर आ गया है। कहाँ? फ्रंट कैमरा तो नहीं खोल लिया तुमने गलती से? रोमांटिक हूँ ना मैं, फंसा सकता हूँ ना कोई भी लड़की। नहीं छत पे जाके देखिए फटाफट चांद नजर आ गया होगा। गलत न्यूज दी है किसी ने जिसने भी दी है, तुम्हारे साथ कोई सिंसियर है ही नहीं, धोखा दे रहे हैं लोग तुम्हें। तो अभी जो है ना बाहर देखने आए थे कि चांद नजर आ गया कि नहीं ठीक है, लेकिन अभी बस सिर्फ डकी भाई चैनल पे चांद नजर आ रहा है, एक बड़ा प्यारा सा ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, अभी बादलों में छुपा होगा, अभी बाद में नजर आ जाएगा, उतनी तक काम शाम करते हैं ठीक है, चांद नजर आ जाएगा, टेंशन नहीं भाई। A few moments later. और भाई जान वो चेक करो भाई, चांद नजर आ चुका है भाई, वो सामने तुम लोगों को दिख रहा होगा बिल्डिंग के पीछे हल्का सा बड़ा प्यारा सा पतला सा जो है चांद निकल आया है रमजान का, चांद नजर आ गया, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, गायब हो जाएगा फिर। तो भाई छत पे आ गए चांद देखने, वो चेक करो भाई, वो सामने नहीं नजर आ रहा तुम्हें अंधी? तो भाई वो सामने आ चुका है नजर हमें, ईद का चांद आई मीन रमजान का चांद, यानी कि कल पहला रोजा है भाई। हमने शॉपिंग नहीं की भी, कुछ तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं, चले जाते हैं रोस्टी करने, सैरी भी करनी है, क्या देर बाद सैरी भी हो जाएगी, सैरी भी होगी आज, त्रावियां पढ़नी है। हाँ। वड्डा तू मौलवी है, हाँ। त्रावियां पढ़नी है, कोई नमाज पढ़ता नहीं है ना फजर के लिए उठता है कोई, मैंने तो जिंदगी में इसको नमाज पढ़ते नहीं देखा, त्रावियों का नाम ले रहे हैं, इस साल पढ़ूंगा, इस साल पढ़ूंगा, बगैरतियां लगा लगा के रमजान में जो है वो शरीफ हो जाते हैं, फिर चांद रात को जो है दोबारा से शुरू हो जाते हैं। खबरदार तुमने मुनीब को कुछ बोला? खुद एक फर्ज नमाज पढ़नी है।
चांद आ चुका है नजर, ठीक है, यानी कि अब कुछ घंटे बाद हमने सैरी करनी है और फिर रोजे शुरू हो जाएंगे भाई। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही रूब, ये दो दो चांद क्यों नजर आ रहे हैं, एक वो नजर आ रहा है एक ये नजर आ रहा है, दो दो चांद क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं? और कपड़े कुपड़े तय करना छोड़ो, अभी ग्रोसरी करने जाना है, मारा है कुछ भी नहीं पड़ा हुआ सामान भाई। क्या कपड़े खोल के बैठ गई हो यार, तुम्हारा ही खाना संभाल रही हूँ, देखो कितना गंद तुम्हें। रूप गंद सारा तुम्हारा है, मुश्किल से तुमने एक खाना मुझे मेरे कपड़ों के लिए दिया होता है, बाकी ये खाना भी तुम्हारा, ठीक है, ये पूरी अलमारी में सारे तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं और तुम कह रही हो गंद मेरा है, जो सबसे बड़ा गंद जो सामने पड़ा हुआ उसका क्या करना है भाई? अभी चांद बोल रहे थे अब गंद बोल रहे हो, अरे मेरा भी मूड स्विंग होता रहता ना यार। तो मम्मा ने जो है ना साथ आना था, लेकिन अभी वो गई गई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई है, ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई उनको जो है ना आते आते लेट हो जाना है, तो हम लोग खुद ही जाके जो है ना सामान सुमून पकड़ लेते हैं, तो भी स्टोर चलते हैं। क्या क्या लें वैसे? मैंने उनसे लिस्ट भी मंगवा ली है, खुद भी मैंने लिखी है चीजें, सारी ले लेंगे, मटन चिकन सारी चीजें, पकौड़े समोसे चिकन, पकौड़े समोसों का कोई हमने सामान नहीं लेना इस बार, डक्की भाई ने जो है डाइट रमजान करना है भाई, पतला हो जाएगा भाई जनवन अरूप यार इस तरह पे। अच्छा भला मैं पतला होने की कोशिश करता हूँ, फिर बीच में रमजान आ गए तो मैं सारा पकौड़े समोसे जो है सत्यानाश है, हमने नहीं करना यार। सर रमजान तो इसके बगैर होता ही नहीं है, समोसे पकौड़े के बगैर, फ्रूट चाट के बगैर, जामी शीर के बगैर। चलो जी तो मार्केट हम लोग पहुंच गए हैं, क्या लें भाई? पकोड़ों के सामान, समोसों का सामान। सबसे पहले तो चाय ले लेते हैं, ठीक है, मैंने सैरी में चाय पीनी है एक। चाय के साथ इडली का भी पैकेट लो ना, तुम्हारे लिए ये कैसे लेना भूल सकते हैं हम। अरूप ये मेरी जुगते जो मैं पहले लगाता रहा हूं, वही तो मुझे रिपीट करके लगा रही है। ये वैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार रोजों के दौरान ब्रश कर सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि रोजों के दौरान ब्रश नहीं कर सकते, क्या होना चाहिए? जो तुम्हें कहते हैं कर लो, तुम उनकी बात सुन लेते हो, तुम तो कभी भी नहीं करते हो। कैब हो रही है जिसने हफ्ते से दांत ब्रश नहीं किए, तो कमेंट के अंदर बताना कि यार दांत ब्रश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे जो मेरे नॉलेज में है वो उस हिसाब से तो नहीं कर सकते भाई। तुम्हारे नॉलेज में ये ब्रश ना करने तो पिछले एक साल से। अच्छा भाई इस रमजान जो है हमें जो है अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए, कोई आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए, तो जितने भी हेटर्स हैं लव यू हो गया उन सबको। मैं तो कहता हूँ आप लोगों के लिए इफ्तारी भी पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को सैरी और इफ्तारी करवाऊंगा। क्या तुम लोग सोच रहे हो कि यार डक्की भाई ने हेटर्स के लिए इफ्तारी तो पकड़ ली, ठीक है, कोई जूस वूस कोई जामी श्री का तो इंतजाम ही नहीं किया? तो भाई पैकेज फुल देगा डक्की भाई आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, हेटर्स के लिए खाना शाना जूस जामी श्री ड्रिंक सब कुछ है भाई। ऑलिव ऑयल भी पकड़ लेते हैं भाई एक, ओए होए एक्स्ट्रा वर्जन, सारे खजूर का पैकेट भी ले लेते हैं। तो अरू वो जब मदीना से कार्टन भर के हम लोग जो है खजूर लेके आए उसका क्या करना है भाई? बांट दिया गया सारा, जमजमे बन गया सारा, बांट दिया है। हाँ, एक रख लेते, एक पैकेट पकड़ लो, ये क्या, ये तो किसी भी खजूर है, ये जूस वाली, एक ये रख लेते हैं भाई, जूस के पैकेट शैकेट भी उठा लो यार फटाफट, सारे उठा लो, सारे फ्लेवर्स दो उठा लो, ये डब्बा उठा लेते हैं पूरा। चलो भाई इस बार हम लोग लेंगे शुगर फ्री शरबत भाई, डाइट पे हो ना, मैं डाइट कोक भी ले लेते हैं, मैं दो साल से सुन रही हूँ। चलो जी फ्रूट चाट का सामान भी पकड़ लेते हैं, किलो सेब पकड़ लेते हैं, किलो किन्नू पकड़ लेते हैं, दर्जन केले पकड़ लेते हैं, केले तो खत्म हो गए भुस्से में रह गए हैं बस छोटे छोटे, किलो खरबूजा पकड़ लो, बनाने हैं फिर तुमने करी जा रही हो भाई, फ्रूट चाट बनानी है पूरी इफ्तारी में भाई। वो स्ट्रॉबेरीज कितनी फिट लग रही है, स्ट्रॉबेरीज पकड़ लो ये तीन चार पैकेट, हाँ सादा खा लेंगे, अनार पकड़ लो, किलो अनार कर ले, किलो अनार, वही समोसे वगैरह हम लोग ये रेडीमेड ले लें जिस तरह से ये हैं, ये देखो ये रोल वगैरह जो है ये रेडी हुआ हुआ है, ठीक है, ये समोसा रेडी हुआ है, चिकन विकन डाला हुआ है, या फिर समोसा पट्टी अलहदा लेना है जो खुद बनाने घर, पेंडू इंसान चुप करके काम करना, मैं समोसा पट्टी ले रहा हूँ, ठीक है, खुद तुमने समोसे बनाने हैं, ये देखो समोसा पट्टी हम लोग ये लेंगे साबित, ठीक है, तुमने खुद बनाने, रूप ड्रामेबाजी ना लगाओ यार, प्लीज नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, एक आदमी ये इसको रखो, मैं नहीं रेडीमेड समोसे ले रहा, तो समोसा पट्टी होगी, रोल पट्टी भी पकड़ ले, पकौड़ों के लिए आलू तो लेना भूल ही गए हैं, इतना बड़ा आलू जो हमारे घर में सामने वैसे ही फिरता है। रूप ड्रामे ना कर भाई, दो तीन किलो जो है हम लोगों को आलू भी करने पड़ेंगे, लेकिन आलू इनके पास बड़े गंदे हैं यार रूप। हाँ। ये गंदे गंदे आलू, कुछ कुछ साफ सूफ पकड़ो, ठीक है, कोई दो तीन किलो कर लेते हैं आलू। हाँ। दो तीन किलो जो है हम लोग प्याज कर लेते हैं पकौड़ों के लिए, ठीक है, पकौड़ों का हमने सामान ही लिया, बेसन भी ले लें, बेसन बेसन पकड़ के लाता हूँ मैं, बल्कि बेसन भी मिल गया भाई, बेसन के पैकेट दो पकड़ लेते हैं बल्कि हम। चलो जी ओए होए ये क्या है? ये फ्रेशनर है, एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर क्या करना है भाई? बाथरूम से होने के होके आने के बाद कोई और भी तो जा सके ना, मैं भी तो जाती हूँ बाद में, फिर मैं मर जाऊँ, मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे सांस नहीं लेना चाहिए। चुप कर बे कुत्ते। तो शॉपिंग शॉपिंग हो गई हमारी, वावा ही ठीक है बस, ठीक है ना, बहुत है चीजें। हाँ, बाकी तो चीजें घर में पड़ी हुई हैं। सही पड़ी हुई हैं। हाँ। पड़ी भी हो तो तुमने खाना तो बनाया नहीं कभी। सामान सामान हमने पकड़ लिया काफी हद तक, ठीक है, अपना बस फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह बस हमारे आ रहे हैं, ठीक है, फिर निकलते हैं भाई। रमजान की ग्रोसरी हमारी हो गई है कम्प्लीट, कुछ रहा तो नहीं ना? नहीं। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ रह रहे हैं। नहीं सारा कुछ ले लिया, ले लिया ना। हाँ। बस ठीक है निकलते हैं घर, सैरी की भी हमने तैयारी करनी है भाई। तो ग्रोसरी वगैरह करके हम लोग आ गए थे घर, बस कुछ घंटे में जो है सैरी होने लगी है, और मामा पापा जो है ना गए हुए थे, मामा पापा कहीं ग्रोसरी करने तो नहीं गए हुए थे, जो फिर ये ना हो गए वो भी ग्रोसरी कराए और हम भी ग्रोसरी करके आ गए हो।
पता लगे दो दो सामान आ गए हैं तो कोई बात नहीं, तो वो ना खाने के लिए। भाई रमजान खत्म होने जो चांद रात को मैं ऐसी किट लगाऊंगा इसकी, मैंने सारी जुगते तैयार कर लेनी है, 30 दिन बैठ के लगाऊंगा मैं चांद रात को। अभी रमजान में शरीफ हो गए डक्की भाई, ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉग को ज्वाइन कर लेना। दोबारा से रमजान मुबारक हो गया तुम सबको, मिलते हैं अभी कुछ घंटे में रसहरी के दौरान। ओका पेड़।